दिल्ली के किराड़ी इलाके में एक शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भाजपा का विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम केजरीवाल को काले झंडे भी दिखाए। दरअसल रविवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक शिलान्यास कार्यक्रम के लिए किराड़ी पहुंचे थे। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए और अपना रोष प्रकट किया। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं मौजूद भाजपा के तमाम कार्यकर्ता अपने हाथों में तख्ती लिए दिखाई दिए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम केजरीवाल को भ्रष्ट करार दिया और साथ ही उन्होंने स्थानीय विधायक ऋतुराज झा और दिल्ली के सीएम को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि चुनाव को देखते हुए केजरीवाल यहां उद्घाटन के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा केजरीवाल को झंडे दिखाते हुए कहा कि यह संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि किराड़ी में कुछ करना है तो काम कीजिए, उद्घाटन करने से कुछ नहीं होता। प्रदर्शन के दौरान तमाम भाजपा कार्यकर्ता काले झंडे लिए खड़े दिखाई दिए और सीएम केजरीवाल के काफिले की तरफ बढ़े तो पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर अपना विरोध जताया, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें हिरासत में भी लिया। इस करके सभी समस्त जनता जनार्दन को कि जो दिल्ली में एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रूप में बैठे हैं, जिनका लगातार हम घेराव और उनके भ्रष्टाचार का उजागर कंटिन्यू हम कर रहे हैं, और वैसे ही किराड़ी में एक भ्रष्ट विधायक ऋतुराज जो 9 सालों से जो किराड़ी की दुर्दशा कर रखी है, उस दुर्दशा के खिलाफ जो पीछे कई बार दिल्ली के भ्रष्ट मुख्यमंत्री और ऋतुराज ने मिलकर किराड़ी में उद्घाटन किए, लेकिन वो काम आज तक शुरू भी नहीं हुए हैं, और आज पुनः चुनाव को देखते हुए वो यहाँ उद्घाटन करने आए थे और हमने उनका पुरजोर विरोध किया, उनको काले झंडे दिखाए कि किराड़ी में अगर कुछ करना है तो काम करो, उद्घाटन करने से कुछ नहीं होता, अगर करना है तो कुछ काम करिए। डिमांड यही है कि पिछले 10 सालों से, 6 महीने पहले सरकार थी, 9 साल ये बीत गए, इन्होंने किराड़ी को जिस तरह से बुरा हाल किया है, यहाँ अभी भी पानी भरा है, चलने का रास्ता नहीं, और उद्घाटन पे उद्घाटन किए जा रहे हैं। पहले हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, तक कहीं कुछ दिखा नहीं। सीवर का 5 बार 7 बार उद्घाटन किया, लेकिन छलावा ही कुछ पब्लिक को नहीं है। पहले रोड बोले सीवर के साथ बनेगा, अब रोड को उसी तरह से लीप पोत रहे हैं। तो जो बीमारी इन्होंने किराड़ी में पैदा किया है, 10 साल में जो किराड़ी स्वर्ग होनी चाहिए थी, व्यापारी यहाँ से भाग गए, लोग घर छोड़कर चले गए, जगह जगह पानी भरा है, हम समस्याओं को निवारण को लेकर इनका विरोध कर रहे हैं। चीज़ बिल्कुल क्लियर है, आज हमारे जिलाध्यक्ष सी आर रामचरण जी के नेतृत्व में युवा मोर्चा बिल्कुल उनके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ा है, और जिस तरीके से केजरीवाल पिछले 10 सालों से दिल्ली को बिल्कुल गर्द में जो डाल दिया है, कभी किराड़ी की, कभी भारी जिले की, कभी शुद्ध नहीं ली, और आज वो फिर प्रचार प्रसार उद्घाटन के माध्यम से जो हमारे ज़िले में आए थे, तो अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सभी ने काले झंडे उनको दिखाया, उनका पुरजोर विरोध किया है। आपको पता है कि कल रात वो अभी ईडी के संबंध से भाग रहे हैं, अभी वो बचते फिर रहे हैं।